कहानी की शुरुआत में हमें एक आरजे लड़की दिखाई जाती है जो कि रेडियो पर रात के वक्त अजीबोगरीब और डरावनी कहानी सुनाया करती थी। इस लड़की का नाम कैंडी होता है। कैंडी अपने लिसनर्स को सबसे पहले कहती है कि अगर आप लोग अकेले में खौफनाक कहानी सुनकर डरते हैं तो प्लीज़ रेडियो बंद कर दें। वो कहती है क्योंकि मेरी कहानियों को सुनकर आप सो नहीं पाएंगे। कैंडी रात के वक्त अपने स्टूडियो में बिल्कुल अकेली थी। वो अपने सुनने वालों की तरह ही इन कहानियों को महसूस करना चाहती थी। वो देखती है कि जैक नाम के एक आदमी ने उसे लिपस्टिक भेजी है। ये कलर उसको काफ़ी अच्छा भी लगा था और तो और उसकी आवाज़ भी उसने बहुत तारीफ की थी। वो लिपस्टिक को लगाकर अपनी पहली कहानी वो सुनाना शुरू कर देती है, जिसमें वो एक लड़की के बारे में बताती है जो एक सोसाइटी में रहने लगी जहाँ पर उसकी और उसके हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं रहता था। वहाँ के सभी घर एक जैसे बने हुए थे मगर सब के सब खाली थे। पहले वो लड़की फोटोग्राफी का बिजनेस किया करती थी मगर अब उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी मगर उसके हस्बैंड के पास अभी भी छोटी मोटी नौकरी थी, लेकिन उसे नौकरी में मुश्किल से ही दोनों का गुजारा हो रहा था और इसलिए इन कम पैसों में ऐसी जगह पर रहना पड़ा। वो लड़की उस माहौल में रहकर ऐसा महसूस करने लगी जैसे वो बिल्कुल अकेली है, उसके आसपास कोई नहीं है। कभी तभी जब वो एक दिन उठती है तो वो देखती है कि वहाँ कुछ लोमड़ियाँ उसके कचरे से खाना तलाश कर रही हैं। उन्हें देखकर वो बाहर आ गई तो वो लड़की वहीं पर उन्हें वो लोमड़ियों की तस्वीर लेने लगती है। उसे अब उनके साथ रहना अच्छा लगता था और सोचती है कि लोमड़ियों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, ना ही उन्हें कोई फिक्र है और ना ही किसी चीज़ के बारे में सोचना। वो अब दिन रात उनके साथ रहने लगी, कुछ तस्वीर बनाने लगी। उसे उन लोमड़ियों के साथ रहकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ उसका कोई रिश्ता है। उसे जहाँ अब लोमड़ियों के साथ रहना अच्छा लगने लगा वो तो वहीं उसे अब अपना हस्बैंड अनजान लगने लगा। रोजाना जैसे ही उसका हस्बैंड काम पर जाता वो सारा दिन उस लोमड़ियों के साथ गुजारती थी। एक दिन रात को जब उसका हस्बैंड उसके कैमरे को देखता है तो वो देखकर हैरान था कि जितनी भी उस कैमरे में तस्वीरें हैं वो सब लोमड़ियों की हैं, जिनको उसने बहुत ही करीब से लिया हुआ था और जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे कैमरे में ऐसी तस्वीरें क्यों हैं और तुम क्यों बदलती जा रही हो। ये सुनकर वो अपने घर से भाग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो लोमड़ी की तरफ भाग रही हो। ऐसे करते हुए दिन गुजरते गए। उस लड़की का हस्बैंड उसे बहुत ढूंढता है मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके मिसिंग पोस्टर्स को वो भी हर जगह पर लगा देता है मगर इस सोसाइटी में तो कोई रहता ही नहीं था, तो उसकी मिसिंग पोस्टर को देखेगा कौन। कुछ दिन के बाद फिर से कुछ लोमड़ियाँ कचरा ढूंढने के लिए वहाँ आती हैं। उन्हें देखकर उस लड़की का हस्बैंड बाहर आता है। वह उन्हें वहाँ से भगा रहा था मगर एक लोमड़ी वहाँ से कहीं नहीं जाती। उस लड़की का हस्बैंड जब उसकी आंखों में रोशनी मारता है तो ये देखकर हैरान था कि उस लोमड़ी की आंखें बिल्कुल उसकी बीवी जैसी हैं। कैंडी ये कहानी सुनाने के बाद अपने लिसनर से कहती है कि आपको क्या लगा, क्या वाकई ये लड़की लोमड़ी बन गई है या फिर ये सिर्फ उसके हस्बैंड का ख्याल था। ये कहानी सुनाने के बाद कैंडी एक ब्रेक लेती है। ब्रेक के दौरान कैंडी के पास एक कॉल आई। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ जब तुमने मेरी ही भेजी हुई लिपस्टिक लगाई। मेरा नाम जैक है। कैंडी पहले तो घबरा जाती है, उसे लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, मगर बाद में वो सोने के लिए चली जाती है ये सोचकर कि शायद उसका कोई कॉलर उसके साथ मजाक कर रहा है। वो जैक ही कॉल को कट कर देती है। फिर कैंडी एक दूसरी कहानी सुनाती है जो कि एक लड़के के बारे में थी जिसे लगता था कि वो दूसरी दुनिया में फंस गया है। वो एक दिन जब अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था तो अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो एक लड़की को मार रहा था। मगर हैरानी की बात यह थी कि जो जगह इसकी स्क्रीन में इसे नजर आ रही थी वो इसी का घर था। वो अपने घर को चेक करने जाता है। वो सोचता है कि क्या मैंने जो घर देखा वो मेरा ही घर है। वो उस जगह को चेक करने जाता है मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अचानक से वही लड़की उसके सामने आई और वो मास्क पहना हुआ आदमी भी उसके सामने आया। वो लड़की वहां से भाग जाती है। फिर वो आदमी उस लड़के पर हमला करता है मगर वो भी उससे बचकर कमरे में चला जाता है और जल्दी से पुलिस को फोन करने लगता है। कुछ डर के बाद वो स्क्रीन पर फिर से देखता है कि उस आदमी ने उसके जैसे लड़के को मार दिया है। वो लड़का स्क्रीन पर देख कर ये हैरान हो जाता है कि मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, फिर भला मुझे कोई कैसे मार सकता है। क्या वो कुछ डर के लिए दूसरी दुनिया में चला गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया। अब उसे ये पहेली सारी जिंदगी सुलझानी थी कि आखिर कुछ ही पलों में उसके साथ हुआ क्या। तभी ये कहानी सुनकर कैंडी को कॉल आई। एक आदमी कहता है कि क्या पता वो पैरेलल दुनिया में पहुंच गया हो जो बिल्कुल इस दुनिया जैसी ही थी। कैंडी जब ये दूसरी कहानी खत्म करती है तभी उसे दोबारा से चेक नाम के आदमी की कॉल आई जिसने इसके लिए लिपस्टिक भी भेजी थी। वो कैंडी को अपनी कहानी सुनाता है, बताता है कि एक दिन मैंने बार में एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर लड़की को देखा। मुझे वो पसंद आ गई मगर उसने मेरा फ़ायदा उठाया। उसने
उस बार की सबसे महंगी शराब मेरे पैसों से पी, जिसके बाद मेरा मजाक बनाकर अपने दोस्तों के साथ भाग गई। उसके लिए तो सिर्फ एक शराब थी, पर मेरे उसमें 3 महीने की कमाई गई। कैंडी उसकी कहानी सुनकर कहती है कि वो अच्छा तो उस दिन तुम थे, वो मतलब कि जो लड़की के बारे में वो बात कर रहा था वो लड़की कैंडी ही थी। इस सारी बात सुनकर उससे वो माफ़ी मांगती है। जैक कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, अब तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी ही होगी। तभी जैक की कॉल बंद हो जाती है। तभी एक नया कॉलर अपनी कहानी सुनाता है कि वो एक हॉस्पिटल की कहानी सुना रहा था, जहां पर लोगों का मानना था कि रात होते ही उधर कोई औरत लोगों को दिखाई देती है। अब इस बात के बारे में पता करने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर अपनी एम्प्लॉय लड़की के साथ हॉस्पिटल को देखने आया। वो उस जगह पर हॉरर डरावनी मूवी बनाना चाहता था। एम्प्लॉय लड़की प्रोड्यूसर को बताती है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले यहाँ पर एक नर्स काम किया करती थी। उसको फिर एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर सिर्फ वो एक ही बात कहती थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। साथ साथ प्रोड्यूसर अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। जब भी दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे, वो दोनों इस बात को नोटिस करते हैं कि जैसे उनके पीछे किसी के चलने की आहट हो, जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। इस बात पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एम्प्लॉय लड़की प्रोड्यूसर को डिलीवरी रूम में लेकर जाती है, जहां पर वो उसे बताती है कि कहा जाता है यहां पर नर्स के बच्चे को पैदा होते ही मार दिया गया, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना था कि वो बच्चा कुछ शैतानी बच्चा था। तभी एम्प्लॉय लड़की को फर्श पर गिरी हुई इस डॉक्टर की तस्वीर मिलती है। इसे देखकर वो कहती है कि तस्वीर में जो डॉक्टर है वह तो मेरे दादाजी हैं। वो प्रोड्यूसर से कहती है कि यह कहानी सच भी हो सकती है, क्योंकि मेरे दादा ने कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। शायद उन्हें वाकई लगता हो कि वो कोई शैतान का बच्चा था। एम्प्लॉय लड़की सारी कहानी प्रोड्यूसर को सुना रही थी, तभी उधर उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बंद कमरे में कोई बच्चा कैसे रो सकता था? दोनों जब देखने भागते हैं तो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक औरत पीछे से प्रोड्यूसर पर हमला कर देती है। एम्प्लॉय लड़की ये सब देखकर डर गई थी कि आखिर यहाँ पर कौन होगा जो ऐसा कर रहा है। वो डर से चिल्लाती है कि प्लीज़ हमें घर जाने दो, कौन हो तुम, हमें यहाँ से जाने दो। तभी उसके सामने एक डॉल यानी गुड़िया आई। उसे अपने पीछे से आवाज़ भी आ रही थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। एम्प्लॉय लड़की समझ गई थी कि इस नर्स की आत्मा है, जो अभी तक इस हॉस्पिटल में भटक रही है और लोगों का कहना बिल्कुल सच है। तभी वो यहाँ से डर कर भागने लगी थी। रास्ते में वो देखती है कि उस नर्स की आत्मा ने प्रोड्यूसर को चीड़फाड़ करके मार दिया था। ये देखकर वो और ज़्यादा डर गई थी। अब वो भागकर उस जगह पर जाने लगती है जहां पर नर्स को रखा गया था। उसके पीछे नर्स की आत्मा भी चलकर आ रही थी, जो बार बार सिर्फ यही कहती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दो। वो एम्प्लॉय लड़की जिस कमरे में थी वो अचानक से बंद हो जाता है। कैंडी ये कहानी खत्म होने के बाद कहती है कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है, नर्स की आत्मा ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा? तभी कैंडी के पास जैक दोबारा कॉल करता है। वो कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, सजा के लिए तैयार हो जाओ। और ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो फौरन से पुलिस को कॉल करती है, मगर जैक उसके स्टूडियो के अंदर था, जिसके हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। कैंडी डर कर बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। जैक भी उसके पीछे पीछे था। वो कहता है कि कैंडी तुम मुझसे नहीं बच सकती, आज तो बदले की रात है। वो बाथरूम के बाहर खड़ा होकर कहता है कि तुम सब लोगों को कहानी सुनाती हो ना, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जैक कैंडी को दो बहनों की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो दोनों डॉक्टर थीं और किसी दूसरे शहर में अपनी मॉम से मिलने जा रही थीं। उन्हें काफ़ी रात हो जाती है, तो इसलिए रुककर रास्ते में एक बहन कुछ सामान लेने जाती है, मगर जब वो जाकर देखते हैं तो दुकान बंद थी। तभी उस शॉप के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। दूसरी बहन दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है जो बहुत परेशान लग रहा था। वो उसकी बहन को गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से कहीं ले जाने लगता है। दूसरी बहन की नज़र जब गाड़ी की पिछली सीट पर जाती है तो वो देखती है कि एक औरत खून में लथपथ है और मदद के लिए पुकार रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फौरन से पुलिस को कॉल करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आदमी उसकी बहन को अगवा कर ले जा रहा है और जो औरत उसके पिछली सीट पर है वो उसे मारना चाहता है। वो गाड़ी में उस आदमी का पीछा करती है। उसका सारा ध्यान तो फ़ोन पर था, इसलिए उसकी गाड़ी उस आदमी की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उस आदमी की गाड़ी एकाएक एक पेड़ पर जाकर लगी थी। उस पेड़ की टहनियाँ उसकी गाड़ी के आगे के शीशे को तोड़ देती हैं, जिस वजह से उस गाड़ी में जा रहे सभी लोग मारे जाते हैं। वो उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसकी बहन के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो कि रोए जा रहा था।
यहाँ पर उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो आदमी कोई किडनैपर नहीं था, बल्कि वो तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। उसने उसकी बहन से मदद मांगी क्योंकि वो डॉक्टर थी और उसकी बहन अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। फिर जिसके बाद वो आदमी तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा, मगर वो लड़की समझी कि वो आदमी उसकी बहन और उस औरत को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहा है। उसने एक गलती से उनका एक्सीडेंट कर दिया जिसमें वो सारी फैमिली और साथ ही साथ उसकी बहन भी मारी गई। बचा था तो वो सिर्फ उस बच्चा। जैक जो कि एक कहानी कैंडी को सुना रहा था बाथरूम के बाहर खड़ा होकर, वो कहता है कि ये सारी कहानी सच है। जैसे उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के बारे में गलत सोच बना ली थी, इसी तरह तुमने मेरे साथ किया। वो कहता है, उस रात तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक बनाया, मेरी उसमें 3 महीने की कमाई चली गई। अब वो उससे बाहर आने की वार्निंग देता है, कहता है कि अब तुम खुद ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आओगी या मैं अंदर आ जाऊं। कुल्हाड़ी से वो दरवाजे को तोड़ने लगा था। कैंडी जैक की बातों से बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए डर कर वो दरवाज़ा खोल देती है। जैक जो बाथरूम के अंदर चला गया था, कुछ देर के बाद कैंडी बाथरूम से अकेली बाहर आई और आकर अपने स्टूडियो में बैठ गई थी। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था, वो सबसे अजीब और ख़तरनाक कहानी सुनाने वाली थी। हम बाथरूम में देख पाते हैं कि जहां पर जैक की लाश पड़ी थी, कैंडी ने इसी की कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और आखिर में कैंडी को दिखाया जाता है जो ये कहती है कि ये नाइटमेयर रेडियो है, यहां पर अजीब और खतरनाक कहानी कभी खत्म नहीं होंगी। और इसी के साथ हमारी इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।